लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। रास्ते के विवाद में चला चाकू, एक की मौत दो रेफर। मौके पर पहुंचे एसपी, घटना की जानी सच्चाई। यूपी के जनपद महाराजगंज के सुनौली थाने क्षेत्र के ग्राम जुगौली में रास्ते के आने जाने के विवाद को लेकर दो पक्षों में चाकू चल गया, जिनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई तो अन्य दो मेडिकल कॉलेज रेफर हो गए। बताया जा रहा है कि एक समुदाय के दो पक्षों में रास्ते को लेकर पुराना विवाद चल रहा था कि बीते दिन एक पक्ष मस्जिद में नमाज अदा कर निकला कि घाल लगाकर बैठे दूसरे पक्षों के लोगों ने हमला कर दिया। हमले में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। हमले के बाद विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, जिसके बाद चाकू चलने लगा, जिनमें से तीन व्यक्तियों को चाकू लगा, जिनमें से एक की मौत हो गई तो अन्य दो गंभीर रूप से घायल हो गए। आन फान में घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। स्थिति गंभीर होने की वजह से डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज से भी रेफर कर दिया। घटना की सूचना पर जहां मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची, दो को गिरफ्तार कर लिया, तो जायजा लेने पुलिस अधीक्षक महाराजगंज प्रदीप गुप्ता भी पहुंचे और घटना का जायजा लिया, तो लोगों से भी रंजिश के संदर्भ के पूछताछ किया। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रास्ते को लेकर पुरानी रंजिश व विवाद था, जिनमें से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर मस्जिद से नमाज पढ़कर जाते समय हमला कर दिया, जिनमें से एक की मौत हो गई, दो रेफर हो गए। दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। चार अन्य को पकड़ने के लिए लुई पुलिस दबिश दे रही है। फिलहाल विवाद के बाद गाँव में सन्नाटा छाया है, तो वही पुलिस पूरे गाँव में मार्च कर शांति बहाल करने और लोगों को शांत रहने की अपील कर रही है। यहाँ पर दो पक्षों के बीच में कुछ रास्ते का और जगह का विवाद चल रहा था। कल शाम को एक पक्ष मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला है, तो दूसरा पक्ष उस पर हमला किया है। इसमें दो लोग घायल हुए थे, जिसमें एक घायल जहीरुद्दीन की मृत्यु हो गई है, एक घायल हैं, उनका इलाज हो रहा है लखनऊ में, बताया गया कि वो ठीक हैं। छः लोगों के विरुद्ध धारा 302 का अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें दो लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। शेष चार की हम जल्दी ही गिरफ्तारी कर लेंगे। मौके पर पुलिस बल लगाया गया है। शांति।